हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस भाई की तरह अपनी वीडियो में ब्लर कैसे लगा सकते हो, वो भी कलर इफेक्ट वाला, और गाइज़ अपनी वीडियो में लिरिक्स कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइज़ उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूँ और सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो गाइज़ आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, तभी जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर हिट कर ले, क्यों गाइस जब भी मैं मेरे चैनल पे न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो गाइस चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वीडियो की प्रीफ्रेंस बताते हैं। तो गाइस चलिए। सो गाइज VN एप्लीकेशन में वो वीडियो ला लेनी है जो आपको एडिटिंग करनी है। तो गाइज यहाँ पर ले आ जाने के बाद दोस्तों मुझे लाइस्टर में चले जाना है। लाइस्टर में जाने के बाद दोस्तों ये पहले भी स्क्रीन वाला वीडियो है, इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद दोस्तों मुझे फर्स्टर में आ जाना है और यहाँ से स्पीड पे चले जाना है, रेगुलर पे चले जाना है और यहाँ से इसका स्पीड को बिल्कुल कम कर देना है, ठीक है गाइज। और यहाँ से ऑडियो को म्यूट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वीडियो फोटो पे क्लिक कर देना है। वीडियो फोटो पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों गैलरी ओपन हो जाती है। तो गाइज मुझे नीचे की ओर आ जाना है और स्काई वाला वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है। तो गाइज स्काई वाला वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, आप इसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज उसका लिंक मेरे इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों मुझे मार्क्स पे क्लिक कर देना है, लाइनर पे क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार से इसको घुमा देना है, ठीक है गाइज। और नीचे की ओर ले आ जाना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ से राइट कर देना है, यहाँ से राइट कर देना है गाइज, ठीक है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों इस वीडियो पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज इस वीडियो के दो पार्ट निकल के बाहर आ जाते हैं। तो गाइज मुझे दूसरे पार्ट पे आ जाना है और यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड कर लेने के बाद दोस्तों स्काई के ऊपर ले आ जाना है इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से। तो गाइज मैं इसको यहाँ पे ले जाने के बाद दोस्तों इस वीडियो को फुल कर देता हूँ, देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे कोरमा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो गाइज कोरमा तो आपको करना आता ही होगा कि किस प्रकार से, मैंने और भी कई वीडियो में बता रखा है कि कोरमा कैसे करें अपने फ़ोन में अपने वीडियो को, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मुझे एडजस्ट कर लेना होगा अपने वीडियो के हिसाब से, कर लेना होगा गाइज आपको, ठीक है गाइज कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से राइट कर देना है, राइट कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लग चुकी है। तो गाइज मुझे यहाँ पे स्पीड पे जाके इस स्काई को भी बढ़ा लेना होगा, रेगुलर पे जाके स्लो मोशन कर देना है इसको कुछ इतना, और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से वीडियो को स्प्लिट करके डिलीट कर देना है, स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे फिर से ऐड टू स्टिकर वाले पे क्लिक कर देना है, फोटो वीडियो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो को ऐड कर लेना है और यहाँ पे इसको ऊपर ले आ जाना है। तो गाइज ये लिरिक्स वाला वीडियो है, आपको पता होगा ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप इसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मुझे यहाँ पे कोरमा कर देना है, इसको ब्लैक स्क्रीन को रिमूव कर देना है यहाँ से, ये देख लीजिएगा हो गया है। तो गाइज आपको वीडियो को ओपन करके देखना है कि हमारी ये लिरिक्स लगी है या नहीं लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लिरिक्स स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज इस प्रकार की लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्टिंग कर लेना होगा। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे बैक का जाना होगा, बैक कर लेने के बाद दोस्तों क्विक VPN को ओपन कर लेना होगा। ये सिंपली से प्ले स्टोर से मिल जाता है, आप इसलिए जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे सिंगापुर में कनेक्टेड कर लेता हूँ और यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक कर लेने के बाद दोस्तों सिंगापुर में कनेक्टेड कर लेना होगा, यहाँ से बैक कर देना होगा, ठीक है गाइज। बैक कर लेने के बाद दोस्तों कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ इस प्रारंभ स्कूल के सामने आ जाता है। तो गाइज आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों जो वीडियो मैंने अभी एक्सपोर्टिंग किया था उस वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है, ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों मुझे फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मुझे 9.16 वाला रेशो सेलेक्ट कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ऑडियो म्यूट करके, सॉरी पहले मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, साउंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, साउंड फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओरिजिनल वीडियो को ऐड कर लेना होगा और उसका यहाँ से मुझे ऑडियो निकालना है, वीडियो का ऑडियो। तो गाइज ये वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ये आ जाता है ऑडियो। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है।
वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं कई ऑप्शन। तो गाइज आपको मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ पे स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों नीचे वाले नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ से कलर वाला ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से राइट कर लेना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों मुझे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों मुझे फिर से वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आ जाना है ऐड यहाँ पे, और ये हेलो बलर वाला कर देना है। यहाँ पे आप डायमंड भी कर सकते हो और यहाँ पे हेलो बलर भी चूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे हेलो बलर करूँगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है गाइज। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो ओपन करके कुछ इस प्रकार से बन चुका है हमारा वीडियो। ये जो कलर ब्लर आ रहा है स्टार्टिंग में, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज ये लास्ट में जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है यहाँ से रिमूव कर देना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज आपको सिंपली से यहाँ से एक्सपोर्टिंग कर लेना होगा वीडियो को।